नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। हरियाणा में हर रोज दबंगई और गुंडाई की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जिस तस्वीर पर आज हम हल्ला बोलेंगे वो हरियाणा की बहादुरगढ़ से सामने आई है। टोल प्लाजा पर दबंगई और तानाशाही आम बात हो चुकी है, लेकिन हम दबंगों के हौसले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि दबंगई का विरोध करने पर वो जान लेने के लिए तैयार है। आज हल्ला बोल में सवाल उठाएंगे कि कानून को ठेंगे पर रखने वाले इन दबंगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है। बहादुर में एक टोल कर्मचारी को अपने फर्ज को बहादुरी से अंजाम देने की सजा यह मिली कि वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बहादुरगढ़ के टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने तानाशाही दिखाते हुए टोल कर्मचारी पर जानलेवा हमला किया। टोल कर्मचारी का गुनाह सिर्फ इतना था कि युवकों की दबंगई का विरोध कर रहा था। टोल प्लाजा पर दो दबंगों को पकड़ लिया गया, लेकिन दो फरार हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहादुरगढ़ में टोल पर गुंडा गैंग, गुंडागर्दी का विरोध किया तो दबंगों ने किया जानलेवा हमला। सिक्योरिटी गार्ड तड़पता रहा, दबंग तानाशाही दिखाते रहे। महज 40 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो उस तानाशाही और गुंडागर्दी की तस्दीक करता है, जहां दबंग खुद को सिस्टम से ऊपर मानते हैं। देखिए, ये बहादुरगढ़ का रोहट टोल प्लाजा है। कुछ दबंग आते हैं और तानाशाही दिखानी शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अपने फर्ज को निभाने की कोशिश करता है, दबंगों को मुफ्त में टोल पार करने से रोकता है, लेकिन दबंग जैसे खुद को सरकार मान रहे थे, जैसे कानून इनकी जेब में था। ये रुकने की बजाय सिक्योरिटी गार्ड पर चढ़ने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को इन दबंगों से टकराने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए एक दबंग कैसे लोहे के ड्रम से सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है, और अचानक से हुआ ये हमला इतना जोरदार था कि सिक्योरिटी गार्ड जहां खड़ा था वहीं गश खाकर गिर पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड तड़पता रहा, लेकिन दबंग इसके बाद भी वहीं पर तानाशाही दिखाते रहे। नेशनल हाईवे 9 के रोहट टोल प्लाजा पर हुई इस वारदात के बाद जैसे ही आसपास के लोगों को खबर मिली, लोगों ने तुरंत दो दबंगों को दबोच लिया। दबंग इतने बेखौफ थे कि सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने के बाद भी वहीं खड़े रहे, जैसे ना उन्हें किसी का डर था और ना किसी का खौफ। लेकिन उनकी यही तानाशाही उन पर भारी पड़ गई। घायल सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर है। सवाल ये है कि क्या महज टोल के चंद पैसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड पर जानलेवा हमला किया गया, या कहानी कुछ और है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है और जल्द ही तस्वीर साफ करने का दावा भी कर रही है। बहादुरगढ़ से धर्मेंद्र गुलिया, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो सिर्फ बहादुरगढ़ ही नहीं, ऐसे और कई जगह से ऐसे ही तस्वीरें सामने आई है, और सिर्फ टोल कर्मियों का कसूर सिर्फ इतना होता है कि दबंगों से वो टोल मांगते हैं, और जब टोल मांगा जाता है तो दबंगों की तरफ से उनकी पिटाई की जाती है, उन्हें मारा जाता है। और सवाल ये उठा रहे हैं लगातार हम इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से, पहले तानाशाही फिर गुंडागर्दी, क्या एक कर्मचारी को फर्ज निभाने पर जान की बाजी लगानी पड़ेगी? ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा उठा रहा है। इसके बाद सवाल ये भी कि फरार दबंगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जो सामने निकलकर आया। इससे पहले भी कई बार टोल कर्मियों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा चुकी है। बलदेव, इसी बीच एक कॉलर सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए बलदेव। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि आपने पूछा है भी इनको ताकत कहाँ से आती है, तो इनको ताकत राजनीतिज्ञों से आती है, सत्तारूढ़ पार्टी से इनको ताकत आती है, जब ये करते हैं। अगर इनकी राजनीतिज्ञों की इनके ऊपर कृपा न हो तो ये चीज होगी नहीं। दूसरा इसमें गवर्नमेंट का है कि जब कोई गाड़ी कोई व्हीकल लिया जाता है तो उसके ऊपर रोड टैक्स लिया जाता है, तो ये बाद में क्यों ये कर रखे हैं इन्होंने, राजनीतिज्ञों ने अपने आमदनी के जरिए बना रखे हैं।
जो ये कर रहे हैं, चाहे आप कर्मचारी में देखो कि वो जब कर्मचारी लगाने होते हैं तो उनको स्थाई लगाओ, उनको प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू क्यों लेते हो? ये सिर्फ इन राजनीतिज्ञों ने अपने कमाई का धंधा बना रखा है और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले हुड्डा साहब ने बनाया, अब खट्टर साहब बना रहे हैं जी। इसके अंदर अगर चौटाला साहब को लाया जाए तो वो चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। इसी बीच रवि कश्यप एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। नमस्कार। देखिए, जितने भी टोल प्लाजा कहीं भी हरियाणा में कहीं बनाए, आए जी वहाँ कोई ना कोई झगड़ा होता है। आदमी 40 लाख की गाड़ी देके 40 रुपए देने में अपनी तोहीं समझते हैं। अब जो भी कर्मचारी है तो कंपनी है या जो भी है, वो इनको इसलिए रखा जाता है, इसलिए इनको तनख्वाह दी जाती है कि जो भी गाड़ी आए उनको रोके आप उनका टोल टैक्स लें ताकि सड़क का निर्माण ज्यादा रहे। पैसा हमारा ही है, हमारा ही काम आता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक तो पुलिस प्रशासन जो बाद में इनको ढील देता है, उस तरह की कार्रवाई जांच करेंगे वो करेंगे, जांच के नाम पे उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरा फिर किसी ना किसी नेता का या किसी उसका बड़े अफसर का फोन आता है, भाई ये मेरे आदमी को छोड़ो, और कोई कार्रवाई आज तक ठोस नहीं कि किसी भी इनको सजा मिले या जेल के अंदर जाए। इस तरीके से गरीब आदमी को मारना ये अपनी शान समझते हैं। अगर इनको लड़ना ही इतनी ताकत है, इतने जोरदार है, तो सियाचिन के बॉर्डर पर जाके वहाँ पाकिस्तान वालों से लड़े या गरीब आदमी से, ये इनके अपने ही आदमी है, तो पड़ोसी है, कोई दूसरे गांव का, किसी गांव का है, एक गरीब आदमी को इस तरह से कहां की बहादुरी दिखाते हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच सुधीर गुरुग्राम से हमारे भी जुड़ चुके हैं एक और कॉलर। जी बोलिए सुधीर। प्लाजा पे 40 रुपए के लिए मारपीट हुई है, बिल्कुल गलत हुई, लेकिन टोल प्लाजा में जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर आने जाने वाले हैं, उनमें कम से कम स्कूल बसें हैं या छोटे पर दुपहिया वाहन है, उनको भी उनको टोल प्लाजा फ्री करना चाहिए सरकार को। सरकार कई तरह से चेक लेती है, कम से कम स्कूल बसों को तो कम फ्री करना चाहिए। इसकी मांग अभिजीत त्यागी जी और विमान साहब मलिक जी ने उठाई थी। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, टोल प्लाजा लगातार सरकार बनाती है, एक पेट्रोल में 50% टैक्स, फिर इनकम टैक्स पर GST, अब टोल प्लाजा पर टैक्स, तो कितना टैक्स इंसान देगा? टोल प्लाजा सिर्फ बड़ी गाड़ी जिनके पास 5 लाख 10 लाख की हो उनको देना चाहिए। कोई रोज आने जाने वाला है वो 20 रुपए देके महीने के, तो उसके 1000-1500 पड़ जाएंगे, वो कहां से गरीब आदमी पैसे लाएगा? सुधीर जी, आपसे ये जो पैसा वसूला जाता है टोल कर्मियों की तरफ से, वो अपने लिए नहीं वसूलते हैं, वो अपने लिए नहीं लेते, अपने घर वालों के लिए नहीं लेते हैं, ये काम है उनका करना। और ऐसे में जब दबंगों से भी पैसा, क्योंकि लाखों लोग उस हाईवे से निकलते हैं, लाखों लोग टोल भरते हैं, और जब दबंग ऐसे में बीच में आते हैं और उनसे टोल टैक्स वसूला जाता है तो वो गुंडागर्दी दिखाते हैं। हाँ, वो गुंडागर्दी दिखाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुंडागर्दी दिखाना तो कहीं की बात नहीं, क्योंकि वो भी गरीब आदमी है जो टोल वसूल में है, और जो वहाँ खड़ी कर्मचारी खड़े हैं उनको भी, वो भी गरीब आदमी है, तो उनको जो जिन्होंने गुंडागर्दी करी है सबसे पहले तो उनको FIR लिखा के पुलिस को हवाले करना चाहिए उनके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और कॉलर नरेंद्र हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र बोलिए। चंद्रप्रकाश इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए चंद्रप्रकाश जी। हाँ, मैं चंद्रप्रकाश बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र से। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गरीब कर्मचारी जो अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर रात को दिन को 24 घंटे बेचारा ड्यूटी करता है, और उस सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे टोल प्लाजा पे काम करने वाली महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके साथ इस प्रकार 50 रुपए के पीछे अन्याय करना, देखिए आप कैसे वो ड्रम उसके सिर पे मारा और वो सिक्योरिटी गार्ड वही सड़क पे गिर गया, अब उसकी जान को खतरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब मजदूर जो 5-7-10 हजार के लिए मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों से दूर हो रहा है, उसके साथ ये क्यों अन्याय हो रहा है? क्या सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देगी? इनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध है? क्या इनको एक लाठी कटा, एक लाठी पकड़ा दी या एक डंडा पकड़ा दिया और कह दीजिए आप गाड़ियां संभालो? इस तरह से थोड़ी होती, इनके इनको भी कोई हथियार देना चाहिए जिससे इनके प्राणों की रक्षा हो सके। ये तो सरासर गलत है। 20-20 लाख की गाड़ियां लेकर के और जना रईस की औलाद बन करके चलते रहे, गरीब मजदूर को जान से मारने की चेष्टा करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस प्रकार से जो जिस बंदे ने भी सिक्योरिटी गार्ड को मारा है उसकी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। तो इसी बीच एक और कॉलर रामचंद्र हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जी बोलिए रामचंद्र जी। रामचंद्र आपको सत्तर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक मजदूर आदमी है जिसकी वो है, ये पहले भी कई दफा हो चुका है, आज पहली दफा नहीं है। ये देखो, पहले लेडीज के ऊपर
वो जहाँ आदमी 50 लाख की गाड़ी लेता है तो वहाँ पर 50 रुपए जड़े में क्या हर जाए, 50 रुपए जड़े में कोई वो नहीं है। हर चीज का कानून तो बनाया जाता है, लेकिन मतलब ये वो भी एक सरकारी कर्मचारी है, वो भी एक सरकारी कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी के ऊपर अगर 2 पैसे के लिए अगर वो कहता है वो इतना मतलब नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपनी राय देने के लिए। तो नंबर लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप भी फोन कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश जी, बोलिए। वेद प्रकाश जी, ये जो आप जो दिखा रहे हैं ये न्यूज हरियाणा पे, आपको बधाई देना चाहूंगा कि जैसी लोगों को जागरूक करने के लिए चीजें हैं, लेकिन अक्सर देखने में आया कि ऐसे लोग जो इस तरह की एक्शन करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, पोल कर्मियों के ऊपर, इसका ये कारण ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी इनको डेप्यूट करती है कर्मियों को, उनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। अक्सर देखने में आया कि जो पुलिस की जो वैन खड़ी रहती है, वो पीसीआर भी खड़ी रहती है, उसमें भी पुलिस वाले बैठे रहते हैं अंदर। इनकी ड्यूटी पोल नाकों पर लगनी चाहिए जहां पर गाड़ियां एंटर करती हैं। अक्सर देखने में आया कि आसपास लोग कहीं तो ये समझा नहीं पाते पोल कर्मियों को, या कभी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करी जा सकती। और ज्यादातर तो ये देखने में आया कि ऐसे लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त होता है। ये लोग बार बार वही लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कभी पुलिस वालों को भी, सरकार को भी चाहिए कि इनको सुरक्षा प्रदान करे, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह की चीजें दोबारा से फिर ये घटती रहेंगी और इस पर कोई जो कुछ नहीं लग पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। इसी बीच सुनीता एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर, जी बोलिए सुनीता जी। मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लोग जो इतनी गुंडागर्दी करते हैं तो इनकी गाड़ी तो परमानेंटली जब्त होनी चाहिए और इनका लाइसेंस भी, और इनको सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब सख्त सजा होगी ना तभी ये लोग गुंडागर्दी करनी बंद करेंगे। और दूसरा सरकार को भी चाहिए अगर हो सके तो बंदा कोई गाड़ी जितनी महंगी हो उतना ज्यादा एक ही मुश्त पैसा लेके और टोल टैक्स वाला चक्कर खत्म करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी अपनी राय हमें देने के लिए। तो लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, नागेंद्र इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और कॉलर, जी बोले नागेंद्र जी। मैडम नमस्कार जी, नागेंद्र सिंह नेगी सरका घाट मंडी हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैडम अफसोस होता है मैडम कि 5 लाख की गाड़ी लेकर के 50 रुपए ना देना टोल टैक्स, और ऊपर से ये अपनी जो ठसक बुड़क या दबंगई जो दिखाकर ऐसी ओछी हरकतें करना। अब टोल पर लगान की बात हो चाहे सड़क पर चलान की बात हो, कानून का डर इन बाहुबली धनबलियों को है नहीं। ऊपर से सत्ता की हनक दिखाने वाली ये टोल कर्मियों को, जो गरीब आदमी होते हैं, मजदूर किसान के बेटे हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे हर बड़ी मछली जो बड़ी छोटी मछली को खाने वाली बात को सार्थक, मगरमच्छों से बैर तो करने की जरूरत किसी में है नहीं। अच्छा खाकी को खौफ दिखाने में अपनी शोभा समझते हैं मैडम। और ये लोग संस्कारों की जो संस्कृति की जो विकृति है, जो अमीर गरीब का जो भेदभाव है, जो जात धर्म का जहर जो समाज में घोला जा रहा है, इंसानियत का धर्म और नेक नीति तो लोगों में खत्म हो गई। अब ताकत का स्रोत इनका है धन बल और बाहुबल और ये सत्ता बल। अब रोजमर्रा की जो आदत में इनके शुमार हो चुका है, इनको दिमाग ठक लाने के लिए बहादुरगढ़ के चाहे बहादुर हो, ये सरकार का जो टोल टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिवी सुशील चोपड़ा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी बोलिए सुशील। मैंने कैसे है कि मैं कल जा रहा था वृंदावन जी, और वृंदावन जा रहा था, सोना जो टोल टैक्स पड़ता है वहां से मैं क्रॉस किया नियर अबाउट 7 बजे जी, तो वहां पे जो टोल का आदमी बिठा रखा था वो सो रहा था जी, और उसने जो वो था अपना हैंडल था वो जो ऊपर उठा रखा था। हेलो जी बोलिए सुशील जी। तो मैं वहां से सीधा चला गया आगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल लगातार हम उठा रहे हैं, हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां हम जनता की आवाज को उठाते हैं और आपसे जुड़े ही मुद्दे हम हल्ला बोल में उठाते हैं ताकि आप अपनी आवाज बेबाकी के साथ लोगों तक पहुंचा सके। इसी के साथ ही हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।